जब राहुल जी ने मुझे प्रभारी बनाया तो मैं उनके घर गई, मैंने कहा कि मुझे समझाओ मेरा काम क्या, तू क्या सोचती हो कि तुम्हारा काम क्या है। मैं बोलने लगी संगठन बनाना है, मजबूत करना है, ये करना है, वो करना है, वो सुने मेरी बात, आधे घंटे के लिए मेरी बात सुने। जब मैं बोल चुकी थी तो जो उन्होंने कहा बोल रही है, तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हारा एक ही काम है, उत्तर प्रदेश में जो भी पीड़ित है उसके पास जाओ, उनकी आवाज़ के साथ खड़े रहो, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ उठाओ। कार्यकर्ता खड़ा करने का मतलब क्या है? मतलब है कि आप जनता के पास जाइए, जनता की समस्या है। आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में, ये राजनीति के बारे में नहीं, ये हादसा हुआ है, नरसिंहार हुआ है, लोगों की निर्मम हत्या हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, बच्चे हैं उनके माता पिता की हत्या, आदिवासियों की जमीन छीनने की कोशिश की गई, और इस मामले को सरकार ने दबाने की, प्रशासन ने, शासन ने दबाने की कोशिश की। मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में, ये राजनीति के बारे में नहीं, ये हादसा हुआ है, नरसिंहार हुआ है, लोगों की निर्मम हत्या हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, बच्चे हैं उनके माता पिता की हत्या, आदिवासियों की जमीन छीनने की कोशिश की गई, और इस मामले को सरकार ने दबाने की, प्रशासन ने, शासन ने दबाने की कोशिश की, इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं जाऊं। मैं क्या बिगाड़ने वाली हूँ, मैं मिलने जा रही हूँ, नहीं चाहती इस मामले को दबाना चाहते भैया, नीचे कर लो, नीचे कर लो यार, इसको हो गया, दो दिन से जुटे हो, ये कर रहे हो। आप लोगों को अन्याय सहना पड़ रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आपका काम क्या है? यही हमारा काम है, यही हमारा मकसद है। मैं मकसद से आई थी कि मैं मेरे परिवार के सदस्यों से मिलूं, मेरा मकसद पूरा हुआ। जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, जो मुझको अपनी गाड़ी में बिठा के यहाँ चुनार के किले में लाए, जिन्होंने मुझे इस दरवाजे से उस दरवाजे से जाने तक रोका मेरे सामने खड़े होके, वह आज कह रहे कि मैं गिरफ्तार नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जा सकती हूँ। मैं उनको कहना चाहती हूँ, मेरा मकसद पूरा हुआ, हमारा काम है, यही हमारा मकसद। मैं इस मकसद से आई थी कि मैं मेरे परिवार के सदस्यों से मिलूं, मेरा मकसद पूरा हुआ। जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, जो मुझको अपनी गाड़ी में बिठा के यहाँ चुनार के किले में लाए, जिन्होंने मुझे इस दरवाजे से उस दरवाजे से जाने तक रोका मेरे सामने खड़े होके, वह आज कह रहे कि मैं गिरफ्तार नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जा सकती हूँ। मैं उनको कहना चाहती हूँ, मेरा मकसद पूरा हुआ, मैं परिवार के सदस्यों से मिली, आज मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगी। ये संघर्ष उन पीड़ित परिवारों का है, ये संघर्ष कांग्रेस पार्टी का है, ये संघर्ष आपका एक एक कार्यकर्ता का है, और ये संघर्ष मेरा है। हम ये संघर्ष करेंगे, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम ठीक कराएंगे, हम उनके साथ न्याय करेंगे।